हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारा कि जो हमारा कॉर्डेट होता है वो डिवाइड है तीन सब फाइलम में। एक है यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, सॉरी, ट्यूनिकेटा जो होता है उसका ही दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। अब हम बात करते हैं कि जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है और सेफलोकॉर्डेटा है उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड कॉर्डेट्स मीन्स द वन दैट हैव दीज टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स सिंपली। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है लार्वा की टेल में, बल्कि जो हमारे सेफलोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें जो हमारी क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है हेड से लेकर टेल तक, और ये पूरी लाइफ तक रहती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स थे उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल की टेल में प्रेजेंट होगी, बल्कि और ये जो फिगर है ना ये सेफलोकॉर्डेट की फिगर है, मतलब इसमें जो नोटोकॉर्ड है ना वो पूरी बॉडी में है और पूरी लाइफ रहेगी हर एक स्टेज में। ठीक है, तो इसमें मेजर डिफरेंस ये याद रखना है अगर कोई पूछता है बेसिकली। तो तीन डिफरेंसेस हमने पढ़े सेफलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के बीच में। फर्स्टली तो ये इन दोनों को हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, ये मरीन में देखने को हमें मिलते हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेट्स की तो इसमें क्या होता है इसको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसमें हमें नोटोकॉर्ड की टेल रीजन में हमें क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, बल्कि जो हमारा क्या बोलते हैं सेफलोकॉर्डेट है उसमें हमें पूरी लाइफ में हमें क्या बोलते हैं उसकी हर एक स्टेज में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात कर ले हम यूरोकॉर्डेट्स की, वो होती है एस्किडिया, सल्फा, डोलिलोलम एंड सेफलोकॉर्डेट्स की ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लेंथलेट। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो आप देख सकते हो ये है एक्सकीडिया। एक्सकीडिया किसकी एग्जांपल थी? यूरोकॉर्डेट का। तो एक्सकीडिया ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब एग्जांपल्स तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, मैंने बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बता दी है आपको कि यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है और सेफलोकॉर्डेट्स में क्या होता है। बेसिक एक ही डिफरेंस है कि यूरोकॉर्डेट्स में जो टेल रीजन होता है लार्वे का उसमें ही नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, और जो हमारा सेफलोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें हमें पूरी पूरी बॉडी में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है और ये हर एक स्टेज में हमें देखने को मिलती है। सिंपली दैट्स इट। हम डिकोड करें एनसीईआरटी को, बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को समझने में। फिर हम बात करते हैं कि जो सब फाइलम होते हैं वर्टिब्रेटा उसमें क्या होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था तीन सब फाइलम है उसके, यूरोकॉर्डेट्स भी है, सेफलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा क्या होता है? इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रायनिक पीरियड में ही देखने को मिलती है। इसमें क्या था यूरोकॉर्डेट्स में? ये हमें देखने को मिलती थी लार्वल स्टेज में, इसमें हमें पूरी लाइफ स्टेजेस में देखने को मिलती थी। इसमें सिंपली क्या है, इसमें हमें सिर्फ नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और जो नोटोकॉर्ड होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं कार्टिलेजियस या बोली वर्टिबल कॉलम में अडल्ट में। तो सिंपली क्या है, अब वर्टिबल कॉलम किस में देखने को मिलती है? ये हमारे ही ह्यूमंस में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, सिंपली ये कहा है कि जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है ना कॉर्डेट्स का, उसमें क्या होता है कि जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को मिलती है। एम्ब्रियोनिक मीन्स जब हम एम्ब्रियो में फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना तब सब हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, पर जैसे हम एडल्ट में फॉर्म होना स्टार्ट होते तब हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पता है ना आपको, हाँ, और जाके हम पढ़ेंगे इसमें। कार्टिलेज होता है मतलब जो बोनी नहीं होता है, ठीक है, कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जब बोनी वर्टिबल कॉलम से रिलीज हो जाती है, या तो कार्टिलेज से होगी या तो बोन वाली जिसको वर्टिबल कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ये एडल्ट्स में देखने को मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हैं, बट सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। समझ आई कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं पर कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट्स नहीं है। मतलब सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है बट सारे के सारे कॉर्डेट्स में को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सिंपल है, कुछ खास नहीं है,
इसमें इन्होंने लिखा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं, बट कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं है सारे के सारे? क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स में हमारे यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं और सेफलोकॉर्डेट्स भी आते हैं, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। की कॉर्डेट करेक्टर्स, ये सारे कॉर्डेट करेक्टर्स के होने के बावजूद भी बाकी के बाकी जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके क्या बोलते हैं, अदर कोई और भी स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मस्कुलर हार्ट है, मतलब वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, मतलब नीचे साइड पे मस्कुलर हार्ट है जो कि 3, 4 या क्या बोलते हैं 2 चैम्बर का हो सकता है, किडनी से हो सकती है एक्सक्रीशन के लिए, जहाँ से हमारी बॉडी एक्सक्रीशन करती है, और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब हमने जो भी खाया पिया है और हमारी बॉडी में यूरिया वगैरह, हमारे आयंस की बैलेंस के लिए किडनीज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, किसमें, वर्टिब्रेट्स में, और पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं जो कि लिम्स और फिन्स की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। फिन्स हमें फिशेस में देखने को मिलेगा, लिम्स हमें एव्स बोट्स वगैरह जितने भी हमारे वो हैं में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ तो लिया कि हमारा जो हमने बेसिकली क्या पढ़ा अभी तक हमने सिंपली पढ़ा कि हमारा जो कॉर्डेट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, उनका CNS जो है वो डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा, फेरिंग्स जो होगा वो परफोरेटेड होगा गिल स्लिट से, हार्ट जो होंगे वो वेंट्रल होंगे, और पोस्ट एनल टेल मतलब प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखा कि वो 3 सब फाइलम में डिवाइड था, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब हम वर्टिब्रेटा के अंडर सब डिविजन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारी NCERT की में सिलेबस में है। अब वर्टिब्रेट्स की डिविजन्स की बात करें तो अब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, जिसको हम बोलते हैं एग्नेथा, और 2 डिविजन्स में सॉरी, एग्नेथा और गिनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन्स जिनके पास जॉ नहीं होंगे, गिनेथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ होंगे। अब एग्नेथा जो है उनके अंडर फर्दर क्लास आ जाती है साइक्लोस्टोमेटा, और गिनेथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, उनके अंदर 2 सुपर क्लास आती है, एक आती है पाइसिस, एक आती है टेट्रापोडा। पाइसिस वो है जिनके पास फिन्स होंगे, टेट्रापोडा वो है जिनके पास लिम होंगे, मतलब टांगे होंगी, उनके पास फिन्स होंगी तैरने के लिए। इनमें क्लास आ जाती है कॉन्ट्रिस्थिस और ऑस्टिस्थिस। एज यू कैन सी, कॉन्ट्रिस्थिस मीन्स जिनके पास, जिनका स्ट्रक्चर कार्टिलेज से फॉर्म होगा, ऑस्टिस्थिस एज द नेम इंडिकेट्स, आप ऑस्टिस मीन्स बोन के लिए यूज़ हो रहा है, तो जिनमें बोन प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे टेट्रापोडा हैं उसमें क्लासेस आ जाती हैं, जैसे एम्फीविया, रेप्टीलिया, एव्स और ममेलिया, ठीक है, ये हमारी किस में आ जाएंगी, ये हमारे टेट्रापोड्स के अंदर आएंगी। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि जो वर्टिब्रेट्स पढ़ा हमने, ठीक है, वर्टिब्रेट्स पढ़ा किसके अंडर आता है, वो हमारा आता है कॉर्डेट्स के अंदर। उसमें हमने पढ़ा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो डिवाइडेड हुआ है 2 डिविजन्स में, एक एग्नेथा और एक गिनेथोस्टोमा। एग्नेथा जिनके पास जॉ नहीं है, गिनेथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ है, ठीक है। गिनेथा का मतलब ही यही होता है कि क्या बोलते हैं, जॉ होना, और ए लग गया तो मींस जिसके पास जॉ नहीं है। अब उसको एग्नेथा को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया साइक्लोस्टोमेटा में, इसको सुपर क्लास 2 पाइसिस और टेट्रापोडा, जिसके पास फिन थे, जिसके पास लिम्स थे, कॉन्ट्रिस्थिस एंड ऑस्टिस्थिस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड ममेलिया, किसके अंदर, टेट्रापोडा के अंदर, जिनके पास लिम्स थे, टांगे थी, आप देख सकते हो। अब हम पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। अब साइक्लोस्टोमेटा हमने किसके अंडर पढ़ी, एग्नेथा के अंदर, वर्टिब्रेटा की डिवीजन है एक। जो इसमें क्या होता है, जो लिविंग मेंबर्स होते हैं ना साइक्लोस्टोमेटा के, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस के ऊपर, मतलब साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं, प्रीडेटर के ऊपर क्या बोलते हैं, होस्ट होते हैं ना, सिंपली पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सिंपली, ठीक है, किसी किसी केसेस में। अब एक्टो मीन्स ऊपर, और पैरासाइट मीन्स किसके साथ, किसी के ऊपर रहना। तो एक्टो मीन्स ये जो है ना,
ये है पेट्रोमाइजोन, ये किसी फिश के ऊपर रहती है अपने फूड के इनटेक के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इनके पास, अब इनके स्ट्रक्चर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले हम, तो ये जो होते हैं इनके पास, इनकी जो बॉडी होती है वो इलॉन्गेटेड होती है, जिसमें 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के रेस्पायरेशन के लिए। ये देखो, ये इनकी बॉडी है। इसकी बॉडी की बात करें तो ये इलॉन्गेटेड है, इलॉन्गेटेड है ना, जैसे इलॉन्गेटेड है, और 6 से 15 पेयर हैं गिल स्लिट्स के। किसके लिए? गिल स्लिट्स के लिए हैं प्रेजेंट, जो कि क्या रोल प्ले करती है? रेस्पायरेशन। गिल स्लिट्स रोल प्ले करते हैं रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है बिना किसी जबड़े के। ये देखो, ये है ना साइक्लोस्टोम, ये है सकिंग और सर्कुलर माउथ। ये सकिंग और सर्कुलर माउथ है जिसमें जबड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स की तरह काम करते हैं ये। एक करैक्टरिस्टिक ये याद रखनी है, सेकंड करैक्टरिस्टिक ये याद रखनी है कि ये, इनकी बॉडी जो होती है वो इलॉन्गेटेड होती है। इनके पास 6 से 15 पेयर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं। इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, और सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। ये चीज़ को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है उसमें कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। अब हमने पढ़ा था वर्टिबल कॉलम, ठीक है, तो इसमें जो वर्टिबल कॉलम होती है ना वो हमारी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। सर्कुलेशन जो होती है वो क्लोज टाइप की होती है, ठीक है। और साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो मरीन होते हैं, बट वो माइग्रेट करते हैं मतलब फ्रेश वाटर में, ठीक है। मरीन क्या होते हैं? जिसमें सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर यहाँ पर सॉल्ट की अमाउंट कम होता है, ठीक है। ये माइग्रेट करते हैं अपने एग्स को ले करने के लिए किसमें? फ्रेश वाटर में। अपने एग को ले करने के बाद कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं। इनके लार्वे जो होते हैं वो अपनी मेटामॉर्फोसिस, अब मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फ्रॉम एग टू अडल्ट अपनी बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बाद उनके लार्वे जो होते हैं वो अपने ओशन में फिर से आ जाते हैं। इनकी एग्जांपल होती है पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजाइन, जिसको हम हैग फिश बोलते हैं। सिंपली बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। एक बार रिवाइज करें फिर से विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको नहीं देखेंगे, हम खुद रिवाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा कि ये जो है वो क्या है, ये है हमारी पेट्रोमाइजोन। ये किसके अंडर आती है? ये आती है हमारी एग्नेथा के अंदर। एग्नेथा एज द नेम इंडिकेट्स, ए मीन्स द वन दैट डज नॉट हैव एनी जॉ, ठीक है। एग्नेथा का मतलब वो है जिनके पास जबड़े नहीं होते। इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी क्या बोलती है? इलॉन्गेटेड होती है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। फिर इनकी जो क्या बोलते हैं, इनके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। इनका वेंट्रल माउथ होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। सक करते हैं अपनी किसी होस्ट से अपने फूड का इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इनका मेन करैक्टरिस्टिक, ये याद रखना कि ये ओशन में मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट जब ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में ताकि वो अपने अंडों को मतलब अपने एग्स को ले कर सके, एग की लेइंग के बाद इनके जो लार्वे होते हैं वो निकलते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में जाते हैं जिससे वो अडल्ट में फॉर्म होते हैं। जब वो अडल्ट फॉर्म हो जाते हैं वो फिर से अपने ओशन मतलब मरीन इन्वायरमेंट में वापस आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल याद रखना पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, हैग फिश, जिसको हम मैगजाइन बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो अब हम हर एक वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में याद करेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।